कॉल फॉर जीएसटी रिफॉर्म बाय फॉर्मर फाइनेंस कमीशन चेयरमैन। हम लोगों ने इकोनॉमी में कल परसों ही डिस्कस किया है कि सिंगल रेट जो है वो क्या इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए कि नहीं, और इसको लेके बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज हैं वो भी शोर मचाती रही हैं, और हमने भी डिस्कस किया है कि इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरह के इम्पैक्ट रहेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो जो लग्जरी आइटम्स हैं और लग्जरी आइटम जिनके ऊपर 28% जीएसटी है, लग्जरी आइटम जिसके ऊपर 28% जीएसटी है अगर उसको 12% पे ले आएंगे तो गवर्नमेंट का अच्छा खासा नुकसान होगा, 16% का गवर्नमेंट का नुकसान है। कुछ चीज़ें ऐसी जो 5% या 3% रेट के ऊपर बिकती हैं अगर उनको बढ़ा देंगे तो गरीब आदमी का नुकसान है। तो दो चीज़ें हैं, 12% करना, हालांकि उनकी रिकमेंडेशंस हैं और रिकमेंडेशन आती रहती हैं, बाकी देखो अल्टीमेट डिसीजन जो है गवर्नमेंट का होता है। 3-5 वाले खत्म हो जाएंगे, सारा 12 पे ले आएंगे, 28 वाले जो हैं या 18% टैक्स वाले जो हैं उनको टैक्स में एडवांटेज मिल जाएगा। ठीक, तो 28% सिर्फ उन्हीं आइटम्स पे लगा है जिनको अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोज आर लग्जरी आइटम्स। लग्जरी आइटम मतलब जो बहुत एक ओवर साइज टेलीविजन जो है, एलईडी पैनल जो है, या फिर जो महंगी एक्सपेंसिव कारें हैं उनके ऊपर लगने वाला टैक्स है। जो 12% टैक्स दे सकता है वो 28% भी टैक्स दे सकता है। तो डेली नीड्स की चीज़ों के ऊपर टैक्स जो है कंपैरेटिवली कम है, और अगर उसको यूनिफाइड कर देते हैं, 12% टैक्सेस कर देते हैं, तो इसको लेके अपने अपने व्यूज हो सकते हैं, और इनका काम अपनी अपनी रिपोर्ट देना है। बाकी देखो रिपोर्ट की आउटपुट क्या आती है, गवर्नमेंट उसको एक्शन लेती है नहीं लेती, बट ये है कि यूपीएससी के लिए क्वेश्चन जरूर बन गया। कौन है विजय केलकर चेयरमैन थे, 13 विजय केलकर चेयरमैन है 13 फाइनेंस कमीशन के, एंड प्रोमिनेंट फिगर ऑफ द इंडियन टैक्स रिफॉर्म हिस्ट्री, हैज अर्ज्ड द इमीडिएट रिफॉर्म फॉर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिजीम। तो ये जीएसटी काउंसिल जो बनाई गई थी उसके अंदर ये जो विजय केलकर साहब थे तो 13 फाइनेंस कमीशन के ये उस टाइम पे चेयरमैन थे, इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी है। जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया 17 एंड मल्टीपल टैक्स रेट्स एंड कंपनसेशन सेस सर्टेन गुड्स प्राइमरली एम्ड एट मेंटेनिंग रेवेन्यू न्यूट्रलिटी। तो इसमें रेवेन्यू न्यूट्रलिटी इसमें रहती है, और जो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन से 17 में इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन हुआ इसका, और मल्टीपल टैक्स रेट थे हम लोगों ने डिस्कस किया है कि 3, 5, 12, 18 और 28 28%। तो दीज आर द टैक्स स्लैब्स जो अलग अलग आइटम्स के ऊपर जीएसटी के अंदर लगते हैं, एंड कंपनसेशन सेस ऑन सर्टेन गुड्स प्राइमरली एम्ड एट मेंटेनिंग रेवेन्यू न्यूट्रलिटी। तो टारगेट यही था कि सबके लिए न्यूट्रलिटी, रेवेन्यू न्यूट्रलिटी रहेगी, सबके लिए एक ही तरह का टैक्स होगा। कुछ कंट्रीज में ऐसा है, पर हमें अपनी दूसरी कंट्रीज के अकॉर्डिंगली, हम अपनी पॉलिसीज नहीं बनाते हैं, इंडिया अपनी पॉलिसीज बनाता है इंडिया के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। अब उसी के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कल की क्लास में कि किसी जगह के ऊपर बच्चा जो इंडिविजुअल जो अपनी फैमिली के साथ खाना खाने जाता है तो खाना खाने जाता है, अभी क्या है टैक्स की रेट है, अभी टैक्स 5% है, जीएसटी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए 5% है। अगर ये 12% हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसको है ना बर्डन हो जाएगा, थोड़ा सा बर्डन हो जाएगा 12% टैक्स होना। तो पहले भी ज्यादा था, बाद में कम किया गया गवर्नमेंट ने, तो ये डिमांड है हमारे यहाँ पे, ध्यान रखना इनकी रिकमेंडेशन है। रिकमेंडेशन होती है, वो कभी भी आ सकती है, उसके लिए फ्री एडवाइस है। और अब क्या है कि 12% करने की डिमांड है, बाकी देखो गवर्नमेंट का डिसीजन अल्टीमेट होगा। तो चैलेंजेस क्या है, एक्जिस्टिंग स्ट्रक्चर हैज फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर इट्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड काउंटर प्रोडक्टिव नेचर रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग टैक्स इवेजन एंड फ्रॉड। ये भी कह रहे हैं इसमें टैक्स इवेजन बहुत ज्यादा, टैक्स की चोरी होती है, 12% लग जाएगा सभी लोग एक अम्ब्रेला टैक्स रिफॉर्म के अंदर, टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएंगे तो टैक्स पेमेंट जो है कलेक्शन जो है ज्यादा बढ़ेगा। और उसके बाद की इश्यूज विद द करंट जीएसटी रिजीम क्या कहती है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स स्लैब्स, द सिस्टम मल्टीपल टैक्स स्लैब्स हैव बीन अ परसिस्टेंट चैलेंज लीडिंग टू द कॉम्प्लेक्सिटी एंड इनएफिशिएंसी। तो अगर एफिशिएंसी है अगर किसी सिस्टम के अंदर, इसका मतलब यह है कि उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसी करके वो इनएफिशिएंट है। तो ये भी यही कह रहे हैं कि द सिस्टम मल्टीपल टैक्स स्लैब्स हैव बीन परसिस्टेंट चैलेंजेस लीडिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी एंड इनएफिशिएंसी। कंप्लायंस बर्डन क्या कहता है, व्हाइल जीएसटी एम टू सिंप्लीफाई टैक्स प्रोसीजर बिजनेसेस फेस सिग्निफिकेंट कंप्लायंस बर्डन्स ड्यू टू द फ्रीक्वेंट चेंजेस इन रिटर्न्स एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। सो सिंप्लीफाइड टैक्स प्रोसीजर कहते हैं, जीएसटी का टारगेट यही था कि टैक्स प्रोसीजर जो है वो सिंप्लीफाई होना चाहिए, आसान टैक्स सिस्टम होना चाहिए था। बिजनेस फेस सिग्निफिकेंट कंप्लायंस बर्डन ड्यू टू द फ्रीक्वेंट चेंजेस इन रिटर्न्स एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। तो कहते हैं बिजनेस को लेकर दिक्कतें आ रही हैं ऐसी ऐसी करके, जो रिपोर्टिंग है उसकी रिक्वायरमेंट को लेकर कि हमने टैक्स दे दिया, टैक्स आ गया। और उसके बाद डिलेड आईटीसी रिफंड्स एंड पेनल्टीज, टैक्स पेयर्स एनकाउंटर डिले इन द इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड्स एंड पेनल्टीज फॉर बी रिलेटेड फाइलिंग एडिंग टू देयर चैलेंजेस। हाँ, ये एक इशू है जरूर। और आईटीसी जो इनकम टैक्स की जो रिटर्न जाती है उसमें लेके जो इनपुट क्रेडिट है उसको लेके थोड़े बहुत इश्यूज हैं। हाँ, वो छोटे मोटे हिकअप्स हैं, दूर हो सकते हैं, उसको लेके एक इशू जरूर है। नेक्स्ट इज एम्बिग्यूटी एंड एंटी प्रॉफिटियरिंग, द लैक ऑफ क्लियर गाइडेंस एंड एंटी प्रॉफिटियरिंग रूल्स हैज लेड टू द कंफ्यूजन रिगार्डिंग पासिंग ऑफ टैक्स बेनिफिट टू द कंज्यूमर। तो इसमें लेके वीकनेसेस हैं, तो कंज्यूमर तक उसकी जो टैक्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं पहुंच रही, तो उसके पीछे
एक इलिटरेसी एक रिस्पॉन्सिबल है और सिस्टम के अंदर की वीकनेस है ये, तो कस्टमर तक या हाई एंड कंज्यूमर तक उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं पहुंच पाती और क्लियर गाइडेंस जो है एंटी प्रॉफिटियरिंग रूल्स हैं लेड टू द कन्फ्यूजन, तो कस्टमर जो है कन्फ्यूज रहता है इसको लेकर। टेक्निकल ग्लिचेस इन द जीएसटी पोर्टल क्या कहता है, जीएसटी पोर्टल फंक्शनैलिटी इश्यूज कंटिन्यू टू बी कंसर्न हिंडरिंग स्मूथ टैक्स ऑपरेशन। तो टैक्स बनाया गया था इस करके स्मूथ टैक्स ऑपरेशन होने चाहिए बट स्मूथनेस नहीं है क्योंकि मल्टीपल टैक्सेस हैं प्लस उसके बाद फिर जो टैक्स पेमेंट हो चुका है उसकी कलेक्शन जो है वो एक इशू रहता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का इशू है ये सब्जेक्ट है। हाँ, पर ध्यान रखना कोई भी लॉ जो है वो कंप्लीट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ वीकनेसेस होती हैं, ओवर द टाइम उन वीकनेसेस के ऊपर जो है जो कंट्रीज हैं वो ओवरकम कर लेती हैं और धीरे धीरे करके जो है उनको कम कर देते हैं, बट कम्प्लीटली स्मूथ सिस्टम कभी कोई नहीं होता। दुनिया की कोई भी सिस्टम कभी भी कम्प्लीट 100% फुल प्रूफ नहीं होता और 100% सब लोगों को पसंद आए ऐसा भी नहीं होता। ठीक, कुछ ना कुछ वीकनेसेस रहती हैं, वो अपनी अपनी कंट्री का अपना अपना सिस्टम है। केलकर रिस्पॉन्स टू द केलकर प्रपोजल फॉर द रिफॉर्म्स क्या कहते हैं, सिंगल टैक्स रेट क्या है, केलकर सजेस्ट अडॉप्टिंग अ सिंगल टैक्स रेट 12% एंड शेयरिंग रेवेन्यू ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। ये एक आस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है और हम लोगों ने इसको थोड़े दिन पहले ही डिस्कस भी किया है, शायद कल या परसों की क्लास में हमने इसको डिस्कस भी किया है। क्या शेयरिंग रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, तो टैक्स रेवेन्यू उनके साथ भी शेयर होना चाहिए, ये एक मेजर इशू है यहाँ पे। ठीक है, रैशनल। अब वो पंचायतों को भी डिस्ट्रीब्यूट हो, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को भी डिस्ट्रीब्यूट हो, 12% टैक्स की रेट हो, ध्यान रखना ये सिर्फ रिकमेंडेशंस हैं और कुछ नहीं है। हाई जीएसटी रेट इंसेंटिवाइज टैक्स इवेजन मेकिंग अ सिंगल मॉडरेट टैक्स रेट मोर इफेक्टिव इन कर्विंग फ्रॉड एंड ऑप्टिमाइजिंग रेवेन्यू। वो कह रहे हैं जब भी ये इकोनॉमी की थ्योरी है, जब भी टैक्स रेट ज्यादा हो तो उसमें टैक्स इवेजन ज्यादा होता है। 28% के 30% अगर आप टैक्स सरकार किसी चीज के ऊपर लगाती है तो उसमें टैक्स चोरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लोग ईमानदारी से टैक्स पे नहीं करते हैं। और उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ सिंगल जीएसटी रेट, क्या बेनिफिट होगा। मैनी डेवलप्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज हैव सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड सिंगल जीएसटी और वैट रेट लीडिंग टू एनहेंस रेवेन्यू एंड रिड्यूस्ड डिस्प्यूट्स। एक सिंगल रेट होना चाहिए 12%, कई इकोनॉमी में इसको अडॉप्ट किया हुआ है, सर 12% ही रखा हुआ, पर इंडिया में मल्टीपल रेट्स हैं जीएसटी के। उसके बाद इंटरनेशनल एग्जांपल्स क्या है, कंट्री लाइक सिंगापुर, न्यूजीलैंड, यूएई, जापान हैव ऑप्टेड फॉर सिंगल टैक्स रेट डेमोंस्ट्रेटिंग इट्स इफेक्टिवनेस। कंक्लूजन, द करंट जीएसटी रिजीम इन इंडिया रिक्वायर्स इमीडिएट रिफॉर्म टू सिंप्लीफाई इट्स स्ट्रक्चर एंड एनहेंस एफिशिएंसी। अडॉप्टिंग अ सिंगल टैक्स रेट कुड नॉट ओनली स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस बट आल्सो डेटर टैक्स इवेजन एंड फ्रॉड। तो अगर सिंगल टैक्स सिस्टम आ जाएगा तो टैक्स इवेजन नहीं होगा, टैक्स की चोरी नहीं होगी, फ्रॉड रुकेंगे और गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। और जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा उस रेवेन्यू में से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का या लोकल बॉडीज का शेयर भी इंक्लूड होगा, उनको उसके पैसे मिलेंगे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को। अगर अभी तक तो टैक्स जो है वो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होता है, अब अगर विजय केलकर केलकर साहब की जो रिकमेंडेशन इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं इनके अकॉर्डिंगली, फिर टैक्स जो है जो टैक्स का जो रेवेन्यू का जो पैसा आया है वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को भी मिलेगा। अब ऐसा हो जाने के चांसेस बड़े थोड़े हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के टैक्स के अंदर जो नंबर ऑफ स्लैब्स रखे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर रहा होगा। नेक्स्ट,